दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका क्रेजी मन्नू में। दोस्तों टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला आ गए एक बहुत बड़ी मुसीबत में। दरअसल उनकी बीएमडब्ल्यू कार ने कल शनिवार को 3 गाड़ियों में टक्कर मार दी और इस हादसे में करीब 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला शराब के नशे में थे और वो अपनी गाड़ी खुद चला रहे थे। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि एक्सीडेंट के बाद उनकी गाड़ी डिवाइडर पर जा चढ़ी। जानकारी के मुताबिक हादसा मुंबई के न्यू लिंक रोड पर स्थित शीजी होटल के बाहर शाम करीब 5 बजे के आसपास हुआ। सिद्धार्थ लोखंडवाला से ओशिवारा जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक ड्राइविंग के वक्त संतुलन खो देने की वजह से हादसा हुआ। पुलिस ने सिद्धार्थ को लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, हालांकि वो जमानत पर रिहा भी हो गए। दोस्तों लोखंडवाला ओशिवारा सिटीजन एसोसिएशन ने ट्विटर पर सबसे पहले ये जानकारी दी। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए एसोसिएशन के फाउंडर धवल शाह ने बताया कि ये एक बड़ा हादसा था। सिद्धार्थ शुक्ला मेगा मॉल से ड्राइविंग करके आ रहे थे और उन्होंने अपना संतुलन खो दिया। कार ने पहले एक खंभे में टक्कर मारी और फिर 5 गाड़ियों से भिड़ गई। वो खुद बीएमडब्ल्यू से चल रहे थे, उन्हें तो कोई चोट नहीं आई, लेकिन वहां मौजूद दूसरे लोग घायल हो गए। सिद्धार्थ को पुलिस ने हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक हादसे के वक्त सिद्धार्थ नशे में थे और हादसे से लोग इतने नाराज थे कि उन्होंने सिद्धार्थ को पहचाना नहीं और उनकी पिटाई तक कर दी। दोस्तों बता दूं कि इससे पहले भी 2014 में सिद्धार्थ का एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त भी उनकी कार एक दूसरी कार से टकरा गई थी। इसके अलावा 2017 में उन्हें अचानक सीरियल दिल से दिल तक से निकाल दिया गया था, क्योंकि सेट पर ही उन्होंने अपनी को एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन के साथ गाली गलौज कर भद्दी टिप्पणी की थी। मामला इतना बिगड़ गया था कि शूटिंग ही कैंसिल करनी पड़ी थी। वैसे सिद्धार्थ शुक्ला को टीवी सीरियल बालिका वधू से काफी फेम मिला था। उन्होंने इसके बाद बाबुल का आंगन छूटे नाम में भी काम किया था और एक फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में भी काम किया था। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए क्रेजी मन्नू।